न्यू ब्लॉग दोस्तों। आई होप आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये विलेज ब्लॉग का मॉर्निंग ब्लॉग बोल सकते हैं इसको। क्या है कि अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और धूप तो बिल्कुल भी नहीं हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने पे। हम हैं अभी इस टाइम अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय पे। तो अभी क्या है कि धूप नहीं हुई है तो मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना लिया जाए। तो देख इसके अगल बगल का कैंपस आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से आ रहा है। तो ये देखिए इसके बगल का अगल बगल का कैंपस है। सो क्या है दोस्तों, ये है हमारे गांव का स्कूल और जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा ये स्टेज, इस पर क्या है गांव वाले रामलीला खेलते हैं। और चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि आपने ऐसी सुविधा किसी स्कूल में नहीं देखा होगा। और इधर जाएंगे तो आप झंडारोहण स्थल है और उसके बाद नल की व्यवस्थाएँ, पेंटिंग कितनी गजब की हुई है, पेड़ पौधे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो चुके हैं बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। सो दोस्तों ये है हमारे गांव के स्कूल के अंदर का कैंपस, जैसा कि कितना बेहतरीन तरीके से आ रहा है आपको पता ही होगा। और हाँ, आपको लास्ट में एक चीज़ ऐसा दिखाएंगे ना कि इस स्कूल के जस्ट पीछे एक बड़ा सा जंगल है, उसमें क्या है बहुत भयानक जानवर रहते हैं और वहाँ पे क्या है एक बहुत बड़ा मछली का तालाब भी है, वो भी हम इसी ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। आप ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं, उससे पहले हम आपको अपने स्कूल से रूबरू कराते हैं। और हाँ एक चीज़ और है, अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके छत पे और छत से पूरा व्यू दिखाते हैं, इसके पीछे का व्यू, अगल बगल का व्यू। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पे भाई पढ़ाई इतनी भयानक तरीके से होती है, इतने मतलब अच्छे अच्छे टीचर आ गए हैं यहाँ पर, पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं, देरी ना करते हैं, वहाँ पर आपको ऊपर लेके चलते हैं सीधा छत पर और छत से आपको दिखाते हैं पूरा अगल बगल का इसके कैंपस का व्यू। तो आप लोग वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो देखने में। और हाँ लास्ट में भी जो दिखाएंगे ना तो वो तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा देखने में। तो चलिए चलते हैं हम। सो फाइनली दोस्तों हम स्कूल के छत पे आ चुके हैं और आप छत का व्यू देखिए, छत से आप पूरा नीचे का व्यू देखिए। क्या है कि अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और धूप भी बिल्कुल नहीं हुई है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और मैं भी हूँ इस टाइम स्कूल के छत पे और ये है पीछे का व्यू, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वो जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वही उसी जंगल की हम बात कर रहे हैं। वो जंगल आपको देखने में छोटा लग रहा है, बाकी ऐसे लंबाई में तो होगा 1 किलो 1.5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में। तो चलिए भी हम इसको उसके अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। सो फाइनली दोस्तों हम उस जंगल के करीब में पहुंच चुके हैं, जस्ट जंगल के बीच में हैं अभी। और ये देखिए पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं मछली पालन से। क्या है कि यहाँ पे मछली काफ़ी अधिक संख्या में पालन की गई है और जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा तालाब में काफ़ी अधिक संख्या में मछलियाँ हैं, अभी हम उसको भी आपको दिखाते हैं। तो और क्या, और ये देखिए आप उसके ऊपर जाली लगाया गया है, जाली इसलिए लगाया गया है क्योंकि पक्षियों से बचाने के लिए जाली लगा दिया गया है। और मछली पालन के जस्ट बाद आपको दिखाने वाले हैं कबूतर पालन, इसी जंगल में पाला गया है कबूतर पालन, वो भी हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। और ये देखिए मछलियों की संख्या देखिए आप, कितनी अधिक संख्या में मछली है यहाँ पे। सो क्या है दोस्तों, अभी हम ना इसको दिखाने के बाद चलेंगे कबूतर पालन, कबूतर पालन के बाद एक और पालन है दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये क्या है, मछलियों के लिए चारा डाला जा रहा है जो कि इनको लगभग हर रोज़ दिन में 3-4 बार चारा डाला जाता है खाने के लिए। तो और यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए भी, जैसा कि क्या है यहाँ पे बैठने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि क्या है कि यह है एक प्रोफेशनल जगह, इसको क्या बोलते हैं कि गांव का तो प्रोफेशनल ही होगा, ये एक बड़ी वाली मछली आ गई और काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे देखने के लिए। हम भी लोग अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 7, क्योंकि हम 6 बजे घर से निकले थे तो अभी 7 बज रहे हैं।
और मछलियों की संख्या आप देखिए कितनी अधिक संख्या में मछली है इस तालाब में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए थोड़ा। हाँ तो चलिए अब हम ये देखिए चारा एक ही बार में डाल दिया गया है, अभी सारी मछलियाँ आएंगी खाने के लिए तो उसको भी दिखाएंगे आपको। और हाँ एक चीज़ और है, क्या है दोस्तों, अभी क्या है जुलाई का महीना चल रहा है और आम पूरी तरीके से पक चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि गांव के देसी आम खाने में कुछ आनंद ही बहुत ही अलग तरीके से रहता है, तो जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है वहाँ तक आम का पेड़ ही है। और हाँ अभी जो बाइक आपको सामने दिख रहा है उस बाइक में ना आम चुरा के रखा गया, अभी उसको देखना ख़त्म करते हैं उसके बाद हम चलते हैं। तो दोस्तों क्या है कि ये जंगल काफ़ी लंबा है, इसको हमें पूरा विजिट करने में काफ़ी समय लग जाएगा और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में बल्कि आपको दिखा देना चाहते हैं वो कबूतर पालन और जो बोले थे। तो चलिए अब हम चलते हैं एक बार तालाब के किनारे, वहाँ पर कुछ आनंद लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्या है कि यह है विलेज व्लॉग, अगर इसको आप विलेज व्लॉग भी कह सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसी पे वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।